लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर दीपक उर्फ टीनू गैंगस्टर के फरार होने के बाद अब इस पूरे मामले में रोजाना एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जो सामने आने के बाद पंजाब पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। पंजाब पुलिस पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से इस केस से जुड़े हुए तमाम अपडेट के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जब आप पूरा इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस पूरे वीडियो में जो हम अपडेट के बारे में बताएंगे उसे सुनने के बाद आप वाकई में हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसे भी होता है क्या। तो इस वीडियो में सबसे पहले इस बात की चर्चा होगी कि आरोपी सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह से करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई है, और इन 6 घंटों के पूछताछ में कुछ आधिकारिक रूप से तो नहीं कहा गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कई सारी ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ना सिर्फ प्रीतपाल सिंह तीनों गैंगस्टर से बात किया करता था, बल्कि पंजाब के जेलों में बंद कई गैंगस्टरों से उसकी बातचीत हुआ करती थी। और इतना ही नहीं, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी उसकी बातचीत हुई थी, और उसने लॉरेंस बिश्नोई की बात तीनों हरियाणा से भी करवाई थी। तो पहली चर्चा इस टॉपिक पे करेंगे। दूसरा, इस केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब के पूर्व गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अब पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार गैंगस्टरों को संरक्षण दिया करती है, और साथ ही उन्होंने तीनों हरियाणा के फरार होने में पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। इस केस में भी और डिटेल्स बताएंगे। और तीसरी चर्चा इस बात पर करेंगे कि इस पूरे मामले में एक नए सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम है जगदेश शर्मा, और उन्हें SI प्रीतपाल सिंह की जगह पर लाया गया है। और इस वीडियो में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि SI प्रीतपाल सिंह की जिस तरह से इस पूरे मामले में तैनाती हो रही है, अब उसको लेकर कहीं ना कहीं पंजाब की सरकार पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, साथ ही पंजाब पुलिस पर भी सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। और आखिरी चर्चा इस वीडियो में इस बात की करेंगे कि आखिर सिद्धू मूसेवाला केस को क्यों NIA को सौंपने की बात की जा रही है, क्योंकि पंजाब पुलिस अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं फेल साबित होते दिखाई दे रही है। तो नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाया करते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल सभी गैंगस्टर, लगभग 24 से 25 गैंगस्टर इस समय सलाखों के पीछे। वहीं एक गैंगस्टर सलाखों के अंदर था और वहां से फरार हो गया, उसी का नाम है टीनू हरियाणा। और टीनू हरियाणा के बारे में पंजाब के अपराध की दुनिया में आज के मौजूदा वक्त में चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। इस पूरे मामले में जिस तरह से SI प्रीतपाल सिंह, जो कि CIA का इंचार्ज था, उसका नाम प्रमुखता से सामने आया है, उससे अब पूछताछ की जा रही है, और इस पूछताछ में कई सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। कल करीब 6 घंटे तक SIT के मुखिया कहे जाने वाले MS सिन्हा साहब ने उस आरोपी प्रीतपाल सिंह से पूछताछ की, और इस 6 घंटे के पूछताछ के दौरान कई सारे ऐसे खुलासे हुए हैं जो वाकई में सुनने के बाद हर कोई हैरत में पड़ जाए। दरअसल आधिकारिक रूप से इस मामले में कुछ बताया तो नहीं गया, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि SI प्रीतपाल सिंह के खिलाफ ऐसे कई सारे सबूत मिले हैं जो उसे अपराधी बनाने में बहुत ज़्यादा ठोस साबित हो गए। पहला ये कि इस पूरे मामले में उसने बहुत सारे झूठ बोले। दूसरा ये कि न सिर्फ टीनू हरियाणा बल्कि उसके और जेलों में कई सारे गैंगस्टरों से लगातार बातचीत हुआ करती थी। और तीसरा ये कि लॉरेंस बिश्नोई से भी उसकी बातचीत हुई थी और उसने टीनू गैंगस्टर से उसकी बातचीत करवाई थी। तो क्या जिस तरह से अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस को एक सवालों के घेरे में खड़ी करने वाली है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला केस में जहां पूरा देश स्तब्ध था, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वो न सिर्फ पंजाब में, न सिर्फ भारत में, बल्कि दुनिया भर में उस समय गूगल पर सबसे ज़्यादा सिद्धू मूसेवाला के बारे में सर्च किया गया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला का केस इतना हाई प्रोफाइल केस था, और सिद्धू मूसेवाला जैसे हाई प्रोफाइल केस में ऐसे दागे इंस्पेक्टर को SIT की टीम में शामिल करना, ये कहाँ की महानता थी या कहाँ की समझदारी थी, इसके पीछे कौन लोग थे। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के माता पिता लगातार ये आरोप लगाया करते थे कि मानसा पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है, किसी और जिले की पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करे, नहीं तो केंद्रीय एजेंसी इस मामले में जांच पड़ताल करे, लेकिन मानसा की पुलिस पे हमें भरोसा नहीं है। और मानसा की पुलिस पे उन्हें कैसे भरोसा होता, मानसा के पुलिस वाले तो इस तरह के निकले जो गैंगस्टरों के मददगार साबित होते दिखाई दे रहे थे। खैर, आज इस मामले में आरोपी को मानसा की कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा, क्योंकि आज इसका रिमांड खत्म हो चुका है और पुलिस इसे मानसा कोर्ट में पेश करके एक बार इसका रिमांड अवधि बढ़ाने की कोशिश करेगी। और पुलिस की ये पूरी कोशिश रहेगी कि आरोपी प्रीतपाल सिंह की रिमांड अवधि कम से कम 10 से 12 दिनों की हो, ताकि पुलिस इसे बहुत ही अच्छे से पूछ पाए। क्या देखना अहम होगा कि अब इससे और कितने दिनों के रिमांड में कोर्ट से पुलिस को सौंपती है। दूसरी बड़ी जानकारी सामने आई है कि पंजाब सरकार के पूर्व गृह मंत्री रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बड़ा संगीन आरोप लगाते हुए पंजाब पुलिस को
तीनों हरियाणा के भागने को लेकर योजनाबद्ध करार दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह से गैंगस्टरों को लेकर अपने रवैये बरत रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि आम आदमी पार्टी राज्य में सरकार को नहीं चला पा रही है। साथ ही उन्होंने पंजाब पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा है कि 4 से 5 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ना तो टीनू गैंगस्टर पकड़ा गया है और ना ही उसके तथाकथित गर्लफ्रेंड पकड़ी गई है। तो एक बड़ा आरोप पंजाब के पूर्व गृह मंत्री ने लगाया है। हालांकि इस घटना को, इस बयान को उस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है जब 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष पंजाब विधानसभा के प्रताप सिंह बाजवा ने भगवंत मान की सरकार पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा था कि मान की सरकार गैंगस्टरों को कंट्रोल करने में फेल साबित होते दिखाई दे रही है। तो भगवंत मान बहुत ही ज़्यादा चिढ़ चुके थे, भगवंत मान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो भगवंत मान ने सुखजिंदर सिंह रंधावा की खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि हमें पता है कि पहली सरकार में कौन कौन गैंगस्टरों की मदद किया करते थे। हालांकि सुखजिंदर रंधावा के इस बयान को उस आरोप का जवाब देता हुआ या फिर खींच के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं पंजाब के बीजेपी के सीनियर लीडर हैं सुनील जाखड़, उन्होंने साफ तौर से ये मांग की है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जांच के लिए अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपे जाए, एनआईए को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि पंजाब पुलिस के ऊपर अब ना तो सिद्धू मूसेवाला के परिवार को भरोसा है, ना ही पंजाब की जनता को सिद्धू मूसेवाला केस में पंजाब पुलिस कुछ इंसाफ दिलवा पाएगी, ऐसा कुछ वो अब उन्हें लगता है। और वो चाह रहे हैं कि अब केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करे और तमाम जो दागी अफसर हैं उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करे। साथ ही सुनील जाखड़ ने यह भी आरोप लगाया है कि जब सिद्धू मूसेवाला का केस इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल था तो ऐसे दागी लोगों को एसआईटी की टीम में क्यों शामिल किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को पकड़ने का या फिर एनकाउंटर करने का जो दावा किया जाता है, इन सब के बाद भी सिद्धू मूसेवाला के परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक बड़ा सवाल हर कोई उठाता दिखाई दे रहा है, लेकिन पंजाब पुलिस अभी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठी है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और देखना अहम होगा कि इस पूरे मामले में अब आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि एसआईटी प्रमुख एमएस चीना ने जब इस मामले में आरोपी प्रीतपाल सिंह से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है, तो इस पूछताछ में जब उसके फोन की सीडीआर निकलवाई गई तो काफी कुछ जानकारियां निकल कर सामने आई हैं जो दीपक टीनू को पकड़ने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होती हैं और आरोपी प्रीतपाल सिंह को गैंगस्टरों का मददगार साबित होने में भी कहीं ना कहीं अब सही साबित होते दिखाई दे रही है। तो आज इस केस में सबसे पहले तो देखना है ये होगा कि आज जब मानसा कोर्ट में इस आरोपी को पेश किया जाएगा तो मानसा की कोर्ट पंजाब पुलिस को प्रीतपाल सिंह के रिमांड कितने दिनों तक सौंपती है और आखिर 4 दिनों में जब पूछताछ हुई है, इस पूछताछ में क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आई है। तो बने रहिए, मुझे लगता है कि इस केस से जुड़े हुए सारे अपडेट हम आपको बताते हैं और बताते रहेंगे। तो अगर आप दीपक टीनू और फटीनू गैंगस्टर के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम कोई अगली वीडियो लाएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, नमस्कार।